हेलो एवरीवन सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन राइट क्लासिफिकेशन के बारे में हम आज पढ़ेंगे प्लेटी हेलमेंथस हम पहले पढ़ चुके हैं इन द लास्ट क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट द प्लेटी हेलमेंथस प्लेटी हेलमेंथस क्या होते हैं फ्लैट वर्म्स होते हैं ठीक है फ्लैट वर्म्स जो कि बिल्कुल फ्लैट हैं डोर्सल साइड से भी फ्लैट हैं वेंट्रल साइड से भी फ्लैट है इसके बाद हमने कुछ इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की भी बात की थी लाइक like, सिमेट्री की हमने बात की ए सीलोमेट है सीलोम है या नहीं है उसकी हमने बात की जर्म लेयर्स की हमने बात की कि डिप्लो होते हैं एंड मेनी थिंग्स वी हैव डन टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट इन हाउ मेनी क्लासेस इट इज क्लासिफाइड और उन क्लासेस में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं दैट पर्टिकुलर वी विल स्टडी राइट सो लेट स्टार्ट इट फर्स्ट

ट्रीमैटोडा ट्रीमैटोडा कौन सी क्लास है ट्रीमैटोडा इज द लिवर फ्लूक फ्लूक मीन्स ऐसी इन्फेक्ट करते हैं जो कि आपके लिवर में पाए जाते हैं ठीक है थर्ड वन इज द टेप वम अगेन इट इज अ पैरासाइट तो पहले वाला जो है प्लान एरिया वो क्या है ये तो पानी में मिलता है ठीक है सेकेंड वन जो है बोथ ऑफ देम आर द प्लान एरिया ओके ना वॉट आर दीज फ्री लिविंग एंड अनसेगमेंटेड फ्लैट वर्म्स देखो जब हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे तब हमने ये बात की थी कि कुछ आपे ऐसे हैं जिनमें कि आपको सेगमेंट्स मिल सकते हैं जैसे कि tape worm. But, वो नहीं था तो kind of तो उसको हम कहते हैं तो remaining two हैं ठीक है जो उनमें आपको किसी तरह का कोई सेगमेंटेशन नहीं मिलेगा सो so, हियर जो प्लानरिया है वो कैसा है फ्री लिविंग है अनसेगमेंटेड है एंड फ्लैट वर्म है सिंपल सी बात है हम प्लेटीस पढ़ रहे हैं तो वो फ्लैट वम ही होंगे ठीक है, बॉडी वॉल है उस पर क्या प्रेजेंट है Some structures are there which are called as जब हम body wall पढ़ रहे थे, तभी मैंने आपको एक स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं रैबडाइट्स ठीक है रेबडाइट्स का फंक्शन क्या होता है वॉट इज द फंक्शन ऑफ दीज रेबडाइट्स इट का फंक्शन होता है दैट दे सिक्रीट सम म्यूकस वो क्या सिक्रीट करते हैं म्यूकस सिक्रीट करते हैं एंड रिलीज इट आउटसाइड द सरफेस ओके नाउ फंक्शन क्या होता है व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ सेक्रेटिंग दिस म्यूकस क्यों सीक्रेट करते हैं कि जो भी इनके प्रीडेटर्स होते हैं व्हेन दे कम नियर बाय तो ये जो म्यूकस होता है इट गेट्स डिसॉल्वड इन वाटर एंड इट बिकम्स लिटिल बिट डिस्टेस्टफुल तो उसका टेस्ट जो होता है बहुत गंदा सा होता है तो वो प्रीडेटर से एक तरह से डिफेंड करने के लिए ये रैबडाइट्स उस म्यूकस को सीक्रेट करते हैं कहां प्रेजेंट है दे आर प्रेजेंट इन द एपिडर्मल सेल्स जो एपिडर्मिस है आउटर वॉल जो है वहां पर ये प्रेजेंट होते हैं ठीक है सो व्हाट इट इज बॉडी वॉल बेयर्स द म्यूकस फॉर्मिंग स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड एज रैबडाइट्स रैबडाइट्स क्या करेंगे म्यूकस फॉर्म करेंगे एंड दे आल्सो पजस द सिलिया सिलिया क्या है सिलिया का हमेशा से हमें पता है सिलिया का फंक्शन होता है लोकोमोशन ये लोकोमोशन में काम आते हैं ठीक है थीके? ये बात हो गई बॉडी वॉल की नेक्स्ट इज बॉडी कैसी होती है लीफ लाइक -like होती है जब आप इसको देखोगे तो आपको ये एक पत्ते की तरह दिखाई देगी ठीक है देन कवर्ड विद द फुली सिलिएटेड और पार्टली सिलिएटेड एपिडर्मिस मीन्स जो एपिडर्मिस है किसी किसी में आपको मिलेगा कि पूरी तरह से उस पर सिलिया प्रेजेंट है बट समवेयर दे आर partly ciliated, half of the surface is ciliated, whereas half is not. Right. Now, nocturnal hai Nocturnal means they are active during nights. raat mein active hote hain Slow creeping है. Slow creeping है मतलब धीरे-धीरे फैलते हैं. Creepers जानते हो ना plants पे भी हम creepers की बात करते हैं. So they are also slow creeping, धीरे-धीरे फैलते हैं. Omnivorous हैं. इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे उनमें हमने कार्निवोरस पढ़ा था ये क्या है ओमनी है ओमनी मतलब ये हमारी तरह है ठीक है हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट हर्माफ्रोडाइट क्या होता है बाइसेक्शुअल ठीक है अभी तक सारे मोनीशियस ही चल रहे हैं जितने फाइलम हमने अभी तक पढ़ लिए सारे मोनिशियस ही चल रहे हैं तो ये भी मोनिशियस है बाइसेक्शुअल है यानी कि दोनों मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से आपको देखने को मिलेंगे Sexually भी मिलेगा और एसेक्सुअली भी मिलेगा ठीक है नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस प्लेनेरिया जिसमें से नीट का क्वेश्चन बनता है और जहां पर भी हम रीजनरेशन की बात करते हैं रीजनरेशन इज ऑल्सो काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑल्सो तो दे हैव अ रिमार्केबल पावर ऑफ रीजनरेशन बहुत एक अच्छी खासी पावर होती है इनके पास रीजनरेट करने की ठीक है क्या होता है रीजनरेशन रीजनरेशन मीन्स वेन देर सर्टेन बॉडी पार्ट आर लॉस्ट या फिर आप इसको काट दो एक पूरा प्लान है फॉर एग्जाम्पल ये एक पूरा अगर प्लान है और इसको मैंने फाइव पार्टस में काट दिया इसको मैं अगर कट कर देती हूं ठीक है डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगमेंट मैंने कट कर दिया एक फ्रेगमेंट ये हो गया एक फ्रेगमेंट ये हो गया कितने फ्रेगमेंट दिख रहे हैं आपको थ्री थ्री यू आर एबल टू सी हियर ठीक है तो ये क्या बना लेगा तीन पूरे नए ये बना लेगा प्लानरिया जितने पार्ट में आप इसको कितने भी पार्ट में आप तोड़ दो यू विल फाइंड द सेम नंबर ऑफ प्लानरिया तो उनकी बहुत ही रिमार्केबल पावर होती है रीजनरेट करने की ओके नाउ क्यों है ऐसा क्या सभी ऑर्गेनिजम्स रीजनरेट कर सकते हैं नहीं सिर्फ यही क्यों कर सकते हैं कुछ तो इनमें स्पेशल होगा दैट्स वाई दे आर एबल टू रीजनरेट व्हाट इज इट नियोब्लास्ट ना वॉट इज द नियोब्लास्ट नियोब्लास्ट क्या है नियोब्लास्ट एक्चुअली दीज आर टोटी पोटेंट सेल्स टोटी पोटेंट सेल्स ये मैंने आपको कल भी बताया था टोटी पोटेंसी क्या होती है ऐसी सेल्स होती हैं जिनको जिनमें एबिलिटी होती है डिफ्रेंशिएट होने की नई तरह की सेल्स बनाने की कई तरह की सेल्स बनाने की ठीक है तो यहां पर ये सारी सेल्स भी कैसी हैं दे ऑल आर दे ऑल आर वॉट दे ऑल आर टोटी पोटेंट इनमें न्यू ब्लास्ट प्रेजेंट होता है न्यू ब्लास्ट टोटी पोटेंट होती है और उस टोटी पोटेंसी की वजह से दे आर एबल टू रीजनरेट सो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर नाउ हियर यू कैन सी द इमेज ओके दिस इज द इंटीरियर पार्ट पूरा एक प्लान एरिया है आप देख सकते हो पूरा यह फ्लैट स्ट्रक्चर है ठीक है डोर्सल साइड से भी ये फ्लैट है और वेंट्रल साइड से भी ये फ्लैट है ये वाला जो सरफेस है ये डोर्सल है एंड दिस वन इज द वेंट्रल ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हो दिस इज द वेंट्रल सरफेस एंड दिस इज द डोर्सल सरफेस ठीक है माउथ आप देख रहे हैं माउथ इज प्रेजेंट एट द वेंट्रल सर्फेस अलोंग विद द प्रोटूजेबल फैरिंग्स जो बाहर को निकला हुआ है ठीक है दिस इज द ब्रेन अब देखो यहाँ पर थोड़ा हेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो चुका है है ना हेड दिख रहा है यहाँ पे ये सेंसरी ऑर्गन्स आपको दिख रहे हैं ब्रेन दिख रहा है तो सिफेलाइजेशन क्या था हेड क्या था कि सारे जो आपके सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं या ब्रेन है वो सारा कहाँ पर एक सेंटर में मतलब एक जो बॉडी का फ्रंट पार्ट है वहां पर प्रेजेंट होना सिफेलाइजेशन कहलाता है ठीक है

ठीक है और ये वाला जो सरफेस है ये कौन सा है वेंट्रल है ये इस तरह से दिखाया गया ये और आधा फोल्ड करके दिखाया ये ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है और साथ साथ उसका नीचे वाला जैसे आप लीफ को फोल्ड कर सकते हो लिटिल बिट उस तरह से ये इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे शो किया गया है तो यहाँ पे जो माउथ है इट इज वेंट्रल एज वेल एज इज ऑल्सो वेंट्रल नाउ द ब्रांच गट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिय अब जो इसका गट है जो इसका गट है दैट मीन्स ये फेरिंग्स क्या ये माउथ है ये फेरिंग्स किया अब जो अंदर जो गट हो है इसका वो पूरी तरह से कैसा है ब्रांचड uh, है हाईली ब्रांच ब्रांचड क्यों है क्योंकि इनके पास कोई सर्क्यूलेटरी सिस्टम तो नहीं है तो सारा जो फूड है उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द कैविटी तो यहां पे जो इसका गट है वो काम करता है किसका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिय टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी ओके इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं गेस्ट्रोवास्क्यूलर सिस्टम सर्क्यूलेटरी सिस्टम को हम वास्क्यूलर सिस्टम भी कह सकते हैं ना प्लांट्स में हम वास्कुलर सिस्टम टर्म यूज करते हैं वास्कुलर टिश्यूज यूज करते हैं तो यहाँ पर भी हम इसको गैस्ट्रोवास्कुलर बोल रहे हैं क्योंकि इसका जो गट है वो काम कर रहा है न्यूट्रिय के ट्रांसपोर्टेशन में टू ऑल दार्ट ऑफ द बॉडी दैट्स वाई इट इज वेरी मच ब्रांच नो एनस सिंगल ओपनिंग है सिंगल ओपनिंग इज देयर वही माउथ का काम कर रही है वही एनस का काम, काम कर रही है देयर इज नो सेपरेट ओपनिंग सिंगल ओपनिंग है यहां पर राइट नाउ समेरिया है लाइक स्ट्रक्चर देखो कुछ प्लानरिया ऐसे होते हैं जिनमें आपको क्चर्स -like दिखाई देंगे बट एक्चुअली दे आर नॉट देअर ईयर्स उनके ईयर्स नहीं है क्या है उन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं ऑरिकल्स ये देखो ये तो दिख रहे हैं ठीक है एंड उसी से लगे हुए जैसे हमारी ये आईज है और यहाँ पे थोड़ा सा पास में ईयर्स प्रेजेंट है तो यहां पर भी साइड में कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं जो कि देख कर लगता है कि क्या ये उनके ईयर्स हैं बट एक्चुअली दे आर नॉट द ईयर्स वॉट दे आर दे आर द वॉट दे आर द सेंसरी ऑर्गन क्या कर सकते हैं दे कांट हियर बट दे कैन सेंस द टच वो सुन नहीं सकते हैं ऑरिकल से सुनने का काम नहीं हो सकता बट टच का, का काम वो करते हैं दे कैन सेंस द टच राइट एक्सक्रीटरी सिस्टम अब इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं हाउ इट इज अकर्स एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है एक्सक्रेशन का मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको सारा बाहर निकालना ठीक है सेकेंड थिंग ऑस्मो रेगुलेशन ऑस्मो रेगुलेशन मतलब ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करना तो दो काम होते हैं यहां पे ठीक हमारी बॉडी में ये काम कौन करता है नेफ्रॉन्स ठीक है नेफ्रॉन्स का ये काम होता है ना ठीक नेफ्रॉन्स फिल्ट्रेशन करते हैं ब्लड का जो यूजफुल सब्सटेंसेज होते हैं वो नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स उनको रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं और जो नाइट्रोजीनस वेस्ट एक्सक्रीट आउट होना है वो बाहर निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन यहाँ पर जो नेफ्रॉन्स की तरह काम करते हैं वो कौन से स्ट्रक्चर्स हैं दीज आर द फ्लेम सेल्स ठीक है वॉट दे डू दे एक्ट लाइक द नेफ्रॉन्स इन द किडनी रिमूविंग द वेस्ट मटीरियल थ्रू द फिल्ट्रेशन तो जिस तरह से ब्लड को फिल्टर करते हैं इसी तरह से ये भी फिल्ट्रेशन करते हैं जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकल जाएगा और जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं उनको रीअबॉर्ब भी कर लेते हैं ठीक है तो यहां पर आप देख रहे हो कि कई सारे सिस्टम्स अच्छी तरह से डेवलप हो चुके हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम है यहां पर ठीक है सो अब फ्लेम सेल का एक स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं व्हाट इट इज एक्चुअली होता क्या है दो ट्यूब्यूल्स होती हैं ठीक है थीके? दो ट्यूब्यूल्स होती हैं विच आर कॉल्ड एज एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स ठीक ये एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स जाके ब्रांच्ड हो जाती हैं कई और सारे ट्यूब्यूल्स में Okay, now when they get branched, अब वहां जाकर जब ब्रांच हो जाती हैं, अब उन tubules के अंदर क्या प्रेजेंट है वाई दे आर कॉल्ड एज फ्लेम सेल्स क्या उनमें फ्लेम सेल्स जैसा स्ट्रक्चर होता है ये देखो ये आपको दिख रहा है ये स्ट्रक्चर सी ये ट्यूब्यूल्स हैं ओके okay. दो ट्यूब्यूल्स हैं यहाँ पे एंड दिस इज ओपनिंग इन द बॉडी वॉल जिस मीन यहाँ से ये यह जाएगा अंदर जो भी सारा सब्सटेंस है वो यहां से जाएगा ठीक है अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है कई सारे सिलिया प्रेजेंट होते हैं ठीक है तो अब जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं व्हेन वी ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप तो सिलिया जो इतने सारे सिलियाज होते हैं वो एक फ्लेम की तरह आपको दिखाई देते हैं इसीलिए हम इनको फ्लेम सेल्स भी कहते हैं ठीक है तो ये जो है ये पूरा पार्ट दिस इज कॉल्ड एज अ फ्लेम बल्ब ओके और इस फ्लेम बल्ब के अंदर क्या प्रेजेंट है फ्लेम बल्ब के अंदर प्रेजेंट है कई सारे सिलिया ठीक तो ये पूरी एक फ्लेम सेल है ये ट्यूब्यूल है ओके okay? तो इसी ट्यूब्यूल के थ्रू सारा ये बाहर निकलेगा कैसे निकलेगा ये इंटरस्टीशियल फ्लूड है इंटरस्टिशियल फ्लूड मींस जो इंटरसेल्युलर स्पेसिस हैं उनके बीच में जो फ्लुड भरा हुआ है उसी में सारा वेस्ट प्रेजेंट है ठीक है उसी वेस्ट को इन एक्सक्रीट आउट करना है तो दिस वेस्ट इज टेकन अप ये अंदर आ गया ठीक है सिलिया के थ्रू प्रोपेल हुआ फिल्ट्रेशन हुआ फिल्ट्रेशन होके इट गोज डाउन अलोंग द ट्यूब्यूल्स एंड फाइनली इट इज एक्सक्रीटेड आउट थ्रू एन एक्सक्रीटरी पोर लास्ट में जाके एक एक्सक्रीटरी पोर होता है एक ओपनिंग होती है जहां से सारा वेस्ट जो होता है वो बाहर निकल जाता है ठीक है अब बात करते हैं नर्वस सिस्टम की नर्वस सिस्टम भी क्या वेल well डेवलप्ड है लेट्स सी इट कंसिस्ट ऑफ टू इंटरकनेक्टेड नर्व कॉर्ड्स ये देखो ये दिख रही है आपको नर्व कॉर्ड्स ये दो नर्व कॉर्ड्स आपको दिख रही हैं, ठीक है एंड दे आर रनिंग थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बॉडी पूरा यहां से लेकर यहां तक पूरी जो लेंथ है उसकी उस पूरी लेंथ पे वो रन कर रही है समझ रहे हैं आप ठीक है टू नर्व कॉर्ड्स आर देयर इज रनिंग अलोंग द लेंथ ऑफ द बॉडी एंड नर्व कॉर्ड्स दे आर कनेक्टेड बिटवीन बाय दीज ट्रांसवर्स कॉमीजर्स इनको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमीजर्स ये ठीक है तो अब अगर इसको हम देखें तो ये कैसा दिखता है एक लेडर लाइक like दिख रहा है ना लेडर जैसे सीढ़ी होती है इसपे ऊपर ऐसे चढ़ चढ़ के ऐसे चले जाओ ओके तो ये मैंने आपको कल बताया था कि प्लेटी हेलमेंथस का जो नर्वस सिस्टम होता है वो इस तरह से अरेन्ज है कि वो एक लेडर लाइक -like अपियरेंस देता है ठीक है अब ये नर्व कॉर्ड्स हैं क्या बाद में जो लेटर डेवलप हो गए ऑर्गेनिजम्स उसमें हम न्यूरॉन की बात करते हैं तो न्यूरॉन में क्या होता है एक तो सेल बॉडी होती है इसके डेंड्राइट्स होते हैं और एक होता है इसका एक्सॉन विद द नर्व एंडिंग्स ऐसे ही होता है ना न्यूरॉन ठीक है यहाँ पे न्यूरॉन्स तो इस तरह सा नहीं है तो यहाँ पे क्या होते हैं देयर आर सर्टेन स्ट्रक्चर्स जिनको हम बोलते हैं गैंगलिया जिसको आप प्रिमिटिव ब्रेन भी कह सकते हो ठीक है तो यहाँ पे ये वाले आई स्पॉट्स के दोनों साइड जो आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं वो क्या है दीज आर द टू लार्ज गैंगलियस वो गैंगलिय मास ऑफ द नर्व सेल्स ओके एंड उनके ये जो एग्जोन हैं दे आर रनिंग थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बॉडी उनको हम बोल रहे हैं नर्व कॉर्ड एंड दीज टू नर्व कॉर्ड्स आर ज्वाइंट और कनेक्टेड बाय द ट्रांसवर्स कॉमिश्योर ओके नाउ दीज नर्व कॉर्ड्स कनेक्ट द गैंगलिया एंड फोटोसेंसरी और कीमोसेंसरी सेल्स टूगैदर यहाँ पर कुछ आई स्पॉट्स जो हैं वो फोटोसेंसरी हैं ठीक है वो लाइट को सेंस करते हैं ओसीलाइट हम बोलते हैं तो ये जो गैंगली आई होते हैं ये उनको भी अपने साथ कनेक्ट करते हैं होता है क्या है अब जैसे इसको मूव करना है कोई भी काम करना है तो ब्रेन ही तो कंट्रोल करता है हम भी तो सारी चीजें हमारी ब्रेन से ही कंट्रोल होती हैं तो यहाँ पे भी ब्रेन से ही कंट्रोल होंगी सारी चीजें ब्रेन नहीं है एक्चुअली नर्वस सिस्टम है किससे बना है गैंगलियन से बना है और दो नर्व कॉर्ड से बना है ओके तो यहां पे क्या करते हैं नर्व कॉर्ड कनेक्ट करती है गैंगलिया को किससे सेल्स और कीमोसेंसरी सेल्स दोनों से हैव अ कंट्रोल ओवर दैट राइट नाउ मूविंग ऑन टू पार्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है दोनों तरह से रिप्रोड्यूस करेगा सेक्सुअली भी करेगा ए सेक्शुअली भी करेगा राइट ए सेक्शुअली किसके थ्रू करता है फिजन के थ्रू करता है फिजन मतलब तोड़ दो उसके सारे पार्ट्स को कई सारे पीसेस में उस एक एडल्ट को कई सारे पीसेस में तोड़ दो ठीक है अब वो हर पीस जो होगा वो जुड़ जाएगा अब जैसे एक पार्ट है सपोज तो ये वाला पार्ट है ये वाला पार्ट क्या है ये हेड वाला पार्ट है ठीक है प्रॉपर हेड हम उसको नहीं बोल रहे हैं ये वाला पार्ट पोस्टीरियर पार्ट है ठीक है अब मैंने इसको अगर बीच में से यहां से कट लगा दिया ओके तो एक तो हो गया ये एंटीरियर वाला पार्ट एक ये रह गया एंटीरियर वाला पार्ट और दूसरा रह गया पोस्टीरियर वाला पार्ट ठीक है यहाँ पे एक स्क्री ट्रीपोर होता है यहाँ पे आई स्पॉट्स एंड ऑल होंगे ठीक है तो ऊपर वाला पार्ट जो है वो नीचे वाला पार्ट बना लेगा और नीचे वाला पार्ट है वो ऊपर वाला पार्ट बना लेगा जहां पे आई स्पॉट्स प्रेजेंट है या डॉर्सल गेंग्लियॉन जो गेंगलियन प्रेजेंट है वो पार्ट बना लेंगे एंड दे जॉइन टुगेदर ओके बात आ रही है समझ में फिजन क्या है फिजन मतलब टूट गया दो पीसेस में ये टूट गया तो जिन दो पीसेस में टूटा है तो जो अपर पार्ट होगा और एक बॉटम वाला पार्ट होगा तो अपर वाला पार्ट जो है वो सारा नीचे वाला पार्ट रीजनरेट कर लेता है दोबारा बना लेता है और जो बॉटम वाला पार्ट है वो ऊपर वाला पार्ट बना लेगा तो पूरा यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा दो आपको प्लेनेरिया मिल जाएंगे तो यहां पे ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है किसके थ्रू हो रहा है प्रोसेस कौन सी है फिजन के थ्रू हो रहा है राइट वट इज नेक्स्ट द नेक्स्ट वन ऑलिया वाली बात स्टार्टिंग से ही क्लियर है सारे अभी मोनिशियस ही चल रहे हैं यह भी मोनीशियस है हरमाफ्रोडाइट है दोनों सेक्शुअल ऑर्गन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मेल एज वेल एज फीमेल दे आर फाउंड इन दन ऑर्गेनिजम ठीक है एक ही प्लेनेरिया में दोनों होंगे ठीक है बो दार्ट शेयर ओपनिंग कॉल्ड द गोनोपोर गोनोपोर मीन्स जो जनाइटर पोर जहां से वो अपने गैमीट शेड ऑफ करेंगे उसको हम बोलते हैं गोनोपोर और दोनों की ही सिंगल कॉमन ओपनिंग होगी ऐसा नहीं है कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की अलग ओपनिंग होगी फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की अलग ओपनिंग होगी दोनों की ही एक कॉमन ओपनिंग होगी फ्रॉम वेर द रिल गैमीट्स ओके ना कहा लोकेटेड है वेंट्रल साइड पे देखो माउथ की पोजीशन भी वेंट्रल है और गोनोपोर की पोजीशन भी वेंट्रल है ओके okay? एंड कौन से पार्ट पे पोस्टीरियर हाफ एंटीरियर पे तो आई स्पॉट प्रेजेंट है ये कहाँ प्रेजेंट है पोस्टीरियर पार्ट पे प्रेजेंट है राइट नाउ हियर यू कैन सी हर्माफ्रोडाइट एनिमल ओके ओवरीजिस ये देखो ये जो रेड वाले स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं ये बड़े बड़े से जिनमें की ये फॉलिकल्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये बड़े बड़े structures, okay? ये क्या है ओवरी है ओवरी के अंदर क्या बन रहा है एग बन रहा है ठीक है कई सारे एग्स बन रहे हैं टेस्टिस है टेस्टिस के अंदर क्या बन रहे हैं स्पॉम्प बन रहे हैं ना फ्रॉम द ओवरीज ये जो स्ट्रक्चर जा रहा है ये क्या है ओवीडप है ओके okay? फॉर्म से जो स्ट्रक्चर जा रहा है वो क्या होगा वास डिफरेंस होगा ओके ऑल द स्ट्रक्चर्स जो भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं दे ऑल आर प्रेजेंट ओवर ही आर वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है एक अंडमेक स्ट्रक्चर है जो कि पेनिस की तरह भी काम करता है ओके एंड वन कॉमन जेनिटल पोर इज देयर ये देखो दोनों ही ये भी यहीं आके ओपन हो रहे हैं और ये भी यहीं आके फाइनली ओपन होते हैं सो बोथ ऑफ देम शेयर अ common opening which is called as a genital pore fertilization fertilization kaise hoga fertilization means fusion of the gametes wo internal hi hai matlab gametes bahar nahi ja rahe hain body se अंदर body के अंदर ही fertilization हो रहा है okay? Development is indirect, indirect है मतलब क्या होगा वहां पर एक लार्वल स्टेज होगी ठीक है लार्वल स्टेज मतलब फिर वही मेटामोरफोसिस होगा और वो लार्वा धीरे धीरे ग्रेजुअली डेवलप हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें एक प्लेनेरिया में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है नाउ फ्री स्विमिंग है सिलिएटेड है और इस लार्वा को हम बोलते हैं म्यूलर्स लार्वा सिलिएटेेड है सिलियटेड है मतलब इट इज एबल टू मूव ओके फ्री स्विमिंग है तो वो फ्रीली मूव कर रहा है मूव करता जा रहा है करता जा रहा है फिर जब उसको लगता है डेवलप होना है तब तो वो सेटल डाउन हो जाता है एंड फाइनली कन्वर्ट हो जाता है किसमें एक कंप्लीट प्लेनेरिया में ओके सो दिस वॉज अबाउट द रीप्रोडक्टिव सिस्टम अब हम बात करते हैं सेकेंड क्लास की विच इज कॉल्ड एज क्लास ट्री मैटोडा फर्स्ट क्लास कौन सी थी जिसमें हमने टर्ब्यूलेरिया जिसमें हमने प्लेनेरिया पढ़ा सेकेंड वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फ्लूक्स वट आर द फ्लूक्स कॉमनली हम इनको फ्लूक्स बोलते हैं एंड बेसिकली वी कॉल इट एज लिवर फ्लूक क्योंकि ये लिवर में इन्फेक्शन कॉज करता है दैट्स वाई वी कॉल इट एज अ लिवर फ्लूक। ओके नाउ अब जो हम दोनों पढ़ेंगे वो कैसे होंगे वो पैरासिटिक होंगे सो हियर ऑल्सो दे आर पैरासिटिक ऑन अदर एनिमल्स ओके प्लेनेरिया में इट थे एपिडर्मिस थे किसी तरह का कोई क्यूटिकल नहीं था जिसे हम टेग्यूमेंट बोलते हैं बट प्लेटी हेलमेंट के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने आपको बताया था कि यहां पे क्यूटिकल भी मिलता है तो वो क्यूटिकल क्या है इंटेग्यूमेंट टेग्यूमेंट और किसमें मिलता है इट इज फाउंड इन द लिवर फ्लूक लिवर फ्लूक में आपको क्यूटिकल देखने को मिलेगा ठीक है नाउ अब हम इसको लिवर फ्लूक क्यों कहते हैं कैसे इसका इन्फेक्शन होता है कहाँ ये प्रेजेंट होते हैं लेट्स हैव अ लुक एट देयर लाइफ साइकिल उनकी लाइफ साइकिल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं सी ये किसमें पाए जाते हैं दे आर फाउंड इन द शीप ये शीप में पाए जाते हैं दे आर फाउंड इन द लिवर ऑफ द शीप ये शीप का आपको लिवर दिख रहा है और लिवर में ये आपको एग्स दिख रहे हैं ओके नाउ व्हाट हैपन्स अब ये जो एग्स होते हैं शेड एट टू ट्वेल्व वीक्स आफ्टर इन्फेक्शन मतलब शीप ने भी कहीं से लिया है शीप ने भी कहां से लिया है शीप ने इसका एक लार्वल फॉर्म इंजेस्ट किया जो कि मेटा होता है ये क्या है ये कहा मिलेगा ग्रासेस में मिलेगा तो शीप ने जब ग्रास को फीड किया तो ये लार्वा इसमें पहुंच गया ठीक है वो एग के फॉर्म में डेवलप हो गया अब आफ्टर इन्फेक्शन जब उसने खाया उसके छह से बारह हफ्तों के बाद वो एग्स शेड कर दिए उसने वो एग्स अपनी बॉडी से रिलीज कर दिए किसमें अपने एक्सक्रीटा में शीप के एक्सक्रीटा में क्या आ गए वो सारे एग्स आ गए ठीक है अब ये जो एग्स हैं ये एग्स क्या करेंगे अब ये डेवलप होंगे ठीक है अब पहली बात आती है कि एग्स यहाँ पे क्या होता है कैसे बने क्या बने तो कैसे बनेगा यहाँ पे जाएगाट और वो सब सारा कैसे बनेगा रिप्रोडक्शन होगा रिप्रोड्यूस किया उसने अंदर जब रिप्रोड्यूस किया रिप्रोडक्शन करने के बाद अब इसमें यहाँ पे एग में ही अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा है लार्वल स्टेज के थ्रू डेवलपमेंट है ना तो एग के अंदर ही इसका एम्ब्रियो है अब धीरे धीरे ये बाहर आ गया ये बाहर आ गया, बाहर आ गया। अब बाहर आने के बाद यहाँ पे क्या होता है कई सारी लार्वल स्टेजेस देखने को मिलती है कोई सिंगल लार्वल स्टेज नहीं है अ नंबर ऑफ लार्वल स्टेजेस आर ऑब्जर्व तो पहली लार्वल स्टेज कौन सी है मिरासीडिया ठीक है पहली लार्वल स्टेज है इसकी मिरासीडिया मिरासीडिया के बाद एक और आ, बीच आ, से पहले आती है स्पोरोसिस्ट भी आता है ठीक है देखो मिरासीडियम मिरासीडियम के बाद आता है स्पोरोसिस्ट फिर रेडिया और उसके बाद सरकेरिया ठीक है देखो अब ये जो मिरासीडियम है ये मेरा सिडियम अब क्या करेगा दिस मेरा सिडियम नीड्स अ होस्ट अब इसको भी एक होस्ट की रिक्वायरमेंट है तो सेकंड होस्टिस्ट का क्या है दैट मीन्स एक तो पहला होस्ट था कौन सा शीप सेकंड होस्ट है इसका मर्ड स्नेल तो इस स्नेल के अंदर चला गया स्नेल के अंदर चला गया स्पोरोसिस्ट के फॉर्म में रिलीज हुआ फिर उसने सरकेरिया बना लिया ठीक है अब सर्केरिया से ये मेटा सर्केरिया बन गया एंड फाइनली इट गोज वेयर ग्रास ग्रास से वापस शीप ने इसको ले लिया सो दिस वे इट रिमेन्स कंटिन्यूस बात समझ में आई लाइफ साइकिल में क्या हुआ सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि शीप के लिवर में ये प्रेजेंट है ठीक है वहां पे इसने रिप्रोडक्शन किया अपने एग्स बना लिए फर्टिलाइज्ड एग्स हैं अब ये फर्टिलाइज्ड एग्स दे आर रिलीज जब वो रिलीज हो गए यहाँ पर रिलीज होने के बाद डिफरेंट लार्वल स्टेजेस में ये पास ऑन हुए कहाँ गए पहले ये सेकेंड होस्ट में सेकेंड होस्ट क्या है इसकी स्नेल है स्नेल ने फिर एक और लार्वल फॉर्म यहाँ से रिलीज किया वो लार्वल फॉर्म फाइनली डेवलप हुआ किसमें मेटासर्केरिया में और वही मैटा फिर से ग्रास के थ्रू किसने खा लिया शीप ने खा लिया तो इस तरह से ये लिवर फ्लूक अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है yes. Now, अब ये जो किस तरह से अपने आप को जैसे लिवर में कैसे अटैच होगा कैसे न्यूट्रिशन लेगा वहां से उसके लिए यहां पे क्या होते हैं सकर प्रेजेंट होते हैं यहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं सकर प्रेजेंट होते हैं जो कि सक करेंगे गे? कौन कौन से हैं ओरल सकर एंड द वेंट्रल सकर ठीक है ये देखो ये माउथ वाला पार्ट है ठीक है माउथ के पास जो सकर प्रेजेंट है वो कौन से सकर है दे आर कॉल्ड एज द वेंट्रल सकर वेंट्रल सकर इसको हम एसिटाबुलम भी कहते हैं वी ऑल्सो कॉल इट एज एसिटा बुलम वी ऑल्सो कॉल इट एज द एसिटाबुलम तो दूसरे पोर्शन पे क्या मिलेगा आपको एंटीरियर वाला हो गया एक तो ओरल माउथ वाले साइड पे मिलेगा ओरल सकर दूसरा वेंट्रल वाली साइड पे जो नीचे वाला जो नीचे वाला पार्ट है वहां पे मिलेगा वेंट्रल सकर जिसे हम एसिटाबुलम भी कहते हैं माउथ जो है वो एंटीरियर है एक्सक्रीटरी पोर जो है वो पोस्टीरियर एंड पे प्रेजेंट होता है ये हमें ऑलरेडी पता है नाउ दे आर बाइसेक्शुअल जानते हैं हम मोनिशियस होते हैं लाइफ साइकिल कॉम्प्लेक्स है विथ मेनी होस्ट हम देख चुके हैं शीप भी है और स्नेल भी है तो दो डिफरेंट होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहा है ठीक है डिफरेंट लार्वल स्टेजेस कौन से हैं मीरासीडियम हो गया स्पोरोसिस्ट हो गया रेडिया हो गया सरकेरिया हो गया एंड एग्जाम्पल्स लिवर फ्लूक में जो हम पढ़ते हैं मेन दैट इज फैसियोला फ्लूक्स में जो हम पढ़ते हैं एक है फैसियोला लिवर फ्लू क्यों बोलते हैं क्योंकि ये लिवर में मिलता है लिवर को इन्फेक्ट करता है एंड दूसरा वाला जो है वो ब्लड फ्लूक है फेसियोला ब्लड फ्लू क्यों कह रहे हैं क्योंकि ये ह्यूमंस में ब्लड वेसल्स में मिलेगा ठीक है अब ये जो शीप वाले हैं ह्यूमंस में भी ये पाए जाते हैं ये पैरासाइट्स ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट करते हैं ओके सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्लानरिया एंड Liver fluke remaining we will continue in the next class. Till then goodbye and take care.